अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुइन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि कल है 22वीं रजब और आज 21वीं रजब है, तो हमने आज टिकियाँ बना रहे हैं क्योंकि कल कूंटे हैं, तो आज हम बना के रख लेंगे और फिर कल सबकी दावत करेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम खीर भी बनाएंगे तो दिखाएंगे आपको। तो अभी देखिए हमने टिकियाँ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने टिकियाँ सारी निकाल ली हैं, इस तरीके से बेल लिया है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हमने बना लिए और ग्लास की मदद से काट भी लिया था। और ये इधर हम तल भी रहे हैं, आप देख सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको, आप भी बना रहे होंगे तो अच्छी बात है। और ये त्यौहार है, सभी को बनाना चाहिए। तो हम लोग बना रहे हैं और कल इंशाल्लाह सबको खिलाएँगे भी, इंशाल्लाह सबकी दावत करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारी टिकियाँ बन चुकी हैं, तैयार हैं। और गाइस देखिए रात हो चुकी है और हमने अभी चना भी भिगो दी है। और ये रही हमारे खीर के लिए चावल, और इसको भी हमने धो लिया है, धो के अच्छे से इसको पानी इसका छान लिया है। और इस तरीके से हम प्लेट में अभी इसको फैला देंगे ताकि जो इसका पानी है वो एकदम सूख जाए। उसके बाद फिर हम इसको पीस लेंगे और सुबह फिर बस उठ के हम इसको जल्दी से खीर बना लेते हैं। अभी पीस के रख देंगे इसको, तो हमने अभी इसको टाइम लगेगा तो इसको सूखने के लिए रख देते हैं। और इधर देखिए अब गैस में हमने इसमें दूध पका लिया है, देख सकते हैं आप लोग, दूध हमने गर्म करके रख लिया है। और अब सुबह ही हम इसको खीर बनाएंगे। तो अभी देखते हैं इसको, अभी देखिए ज़्यादा ये सूखा नहीं है, तो अब सूख चुका है। और ये देखिए हमने अभी मिक्सर की जार में डाल भी दिया है इसको, और इसको पीस लेते हैं। और ये देखिए हमने, सुबह हो चुकी थी, हमें जल्दी जल्दी था, टाइम नहीं था आपको दिखाने के लिए। तो और ये देखिए हमारे चना भी बिल्कुल फूल गए हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, खीर मेरी तैयार हो चुकी है। और बहुत जल्दी था कि सुबह उठने में 5:30 बजे उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि खीर बना के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर हम बाकी काम करेंगे। तो ये देखिए अब मैं कुकर में इसको चने को डाल देती हूँ, उसके बाद इसमें नमक डाल दिया है मैंने। और ये देखिए हमने गैस पर चढ़ा दिया है इसको, और तब तक कि ये गैस पर चढ़ा हुआ है तो बाकी काम भी आपको दिखा देते हैं हम। और ये देखिए अब मैं जा रही हूँ दही निकालने, तब तक दही भी निकाल के इसको हम फेंट लेते हैं। और चने के लिए देखिए आप लोग, मैंने एक प्याज लिया है और 2 टमाटर लिए हैं, तो इसको हम धो लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको काट लेते हैं। और ये रहा हमारा दही, तो तब तक के हमारे चना भी उबल रहे हैं। और ये देखिए हमने बेसन भी इसमें फेंट लिया है ताकि देर तक के हो। और ये देखिए हमने न्याज भी करा ली है इंशाल्लाह, और हमारी न्याज हो चुकी है। और जब तक के चलिए हम अपने जभी चाय के लिए चलते हैं। और ये देखिए हमारी चाय बन रही है अभी, तो हम अभी चाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मेरी चाय रखी है और इनकी वो भी रखा हुआ है हमारा सारा। और खीर में और टिकियों में हमने रियाज कराई थी। तो चलिए फिर हम मिलते हैं खाने के बाद। और ये देखिए अब आ चुके हैं हम किचन में, और अभी हम तेल डाल रहे हैं, और ये इस चने के लिए है। तो चना तो उबले हुए थे, बाकी हमें उबालना मतलब नहीं है, ये गलाना नहीं है, लेकिन कुकर थोड़ा सा गंदा था, हमने सोचा लाइए इसी में हम अभी चना उबाले थे, इसी में हम काम कर लेते हैं अपना। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, और हमने प्याज काटी थी वो भी प्याज हम इसमें डाल देते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए इस तरीके से हमने प्याज डाल दी है, और अभी इसको थोड़ा सा तल लेते हैं प्याज को, मतलब मुलायम हो जाए प्याज, इस तरीके से हमको तलना है, बिल्कुल लाल नहीं करनी है। और ये देखिए अभी इसी में हम टमाटर भी डाल देते हैं, और टमाटर और प्याज दोनों को साथ में फिर मिला देते हैं। और ये टमाटर बिल्कुल हम गला देते हैं इसमें, उसके बाद फिर हम इसमें चना डालेंगे। और देखिए हमारे टमाटर भी हो चुके हैं, और अब देखिए आप देख सकते हैं हमने चना भी इसमें डाल देते हैं। तो देखिए अभी गिर रहा था तो हमने चना भी पूरे डाल दिए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, चना भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए प्याज टमाटर और थोड़ा सा नमक, पहले तो हमने उबालने में भी डाला था और इसके बाद हम इसमें भी डालेंगे थोड़ा सा। तो अभी देखिए अभी हम इसमें डाल दिया है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अभी लाल मिर्च, ये देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा कड़वा नहीं करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा हम बस इतने ही डालेंगे, लाल मिर्च डाल दिया। और अब इसके बाद पड़ेगी धनिया, ताकि जो हमारे जो चने हैं वो एकदम एकदम मसाला वाले बने, तो अच्छे लगते हैं मसाले वाले। तो धनिया हम इसमें और मिक्स कर देते हैं, और इसमें अब डाल देंगे हम नमक, और ये देख सकते हैं आप लोग नमक भी डाल दिया। और अब इसको हम मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद इसको देखिए ये किस तरीके से हो गया है, और मसाले वाले आपको दिख रहे होंगे चने,
जैसे भैया लोग बाहर बेचते हैं उसी तरीके से हैं ये, तो ज़रूरी नहीं है कि फुलके के साथ में ही खाएं, आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये चने। तो देखिए नमक थोड़ा सा हमको कम लग रहा था, इस थोड़ा सा और डाल दिया है, तो देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए हमने ये पीस लिया है चटनी, इसमें है हरी मिर्च और जीरा भूंज के और लहसुन और काला नमक। और ये देखिए ये है दही, तो हम इसको दही को एक इसमें फेंट लेते हैं और इसी का हम रायता बनाएंगे। और जो ये हमने चटनी पीसी है तो वो भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मिक्स कर दिया है और इसमें मिला देते हैं नमक। तो हम नमक भी मिला दिया। और ये देखिए इधर हमने चढ़ा दी ये कढ़ाई और उसमें तेल डाल दिया है। और ये देखिए हमने जो एक घंटे पहले ये बेसन को हमने रखा था उसी तरीके से सेट हो चुका है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं फुलकी। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा तेल बिल्कुल गर्म होने जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और हमने इसमें धीमे आँच में ही निकालेंगे इसको, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। और ये देखिए हमने फुलकी निकालना शुरू कर दिया है। इस तरीके से हम सारी फुलकी इसमें जो है वो हम डाल देते हैं और इसी तरीके से सारी जितनी भी हो जाएंगी हम निकालेंगे इसको। ये फूल भी रहे हैं बहुत, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पहले एक डेढ़ घंटा हो गया जब मैं उठी थी आपको दिखाया था खीर बनाने के लिए, उसके बाद मैंने इसको फेंट के रख दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सॉफ्ट हो गया है और ये बढ़ भी गया है ना, हमने इसमें कोई सोडा वोडा भी नहीं मिक्स किया है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम सेट हो चुका है। तो हमने फिर अब निकालेंगे, तो ये बहुत अच्छी फुल्की हमारी तैयार हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम इसको उलट पलट करके आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा कलर भी आ रहा है इसमें। और ये बेसन हम लेके आए थे चक्की से, क्योंकि हम दुकानों वाले से जो बेसन लेते हैं वो बहुत ही ख़राब बेसन देते हैं, क्योंकि हमने दो तीन बार उसमें कढ़ी बनाई है तो बहुत ही बेकार कढ़ी बनी है। तो फिर ये हम चक्की से लेके आए थे जहाँ पे आटा पिसाते हैं, तो वहीं से हमने भैया से कहा था, वो कह रहे थे कि ले जाइए आपकी पूरी गारंटी रहेगी, तो हम वहीं से लेके आए। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी फुल्की निकल रही हैं, तो निकाल लेते हैं उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने फुल्की अभी निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने इससे कढ़ाई से फुल्की निकाल लेते हैं। अब इसमें डायरेक्ट ही हम इसमें कोई चीज़ में नहीं डालेंगे इसको, डायरेक्ट जो रायता बनाया था हमने तो उसी में इसको मिक्स कर देते हैं, ताकि मतलब बहुत से लोग हैं जो पानी में पहले डालते हैं तो फिर वो फूट जाती हैं, तो लेकिन हम इसमें अभी टाइम भी बहुत है तो हम इसी में डाले दे रहे हैं। तो हमने अभी इसी में रायता में डाल दिया, उसके बाद हम देखिए और भी सारी निकाल के इसी में डाल देते हैं। जब पूरी निकाल लेंगे उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। फुल्की हमारी तैयार हो चुकी हैं और ये देखिए हम इसमें तड़का लगा रहे हैं। और ये हमने थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें रखे हैं जीरा। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लाल कर लेते हैं, और जैसे ही हमारा ये गर्म हो जाएगा और फिर हम उसमें छोड़ देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा गर्म हो गया है काफ़ी, तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए हमने इसमें छोड़ देते हैं, और देखिए तड़का लग चुका है हमारा, आप देख सकते हैं सारी फुल्की जो थी हमने मट्टी में डाल दिया है, और इसमें जीरा और जो तेल था उसका भी तड़का लगा दिया है। और इसमें डाल देते हैं अब हम धनिया, जो हमने धनिया काटी थी उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी फुल्की कितनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई है, और माशाल्लाह से टेस्ट भी इनका बहुत ही अच्छा है। तो जब मेहमानों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ कुंडे होते हैं तो हम लोगों को टिकिया खाने के लिए बुलाते हैं, तो ये चीज़ें भी हम बनाते हैं, बहुत से लोग हैं हर चीज़ बनाते हैं। पर मैंने अभी एक खीर बनाई है, और ये देखिए मेरा जो ये तैयार हो चुका है दस्तरखान, ये चना है, खीर है, और ये रहा हमारी फुल्की, और ये रही हमारी टिकिया, जो है काफ़ी लोग आ चुके हैं और अभी आते भी जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।